एक और शेर पेशे खिदमत कैसे बेदर्दी के पाले पड़े हैं, कैसे बेदर्दी के पाले पड़े हैं, कड़की में जीने के लाले पड़े हैं, क्या बात है, जल जल के दिल में छाले पड़े हैं, क्या बात है, नेता नेता गिरी पर अड़े हैं, वाह, खरीब नौकरी की लाइन में खड़े। सलीम मियां, एक तो कॉलेज के रिजल्ट का दिन, ऊपर से तेरे प्यारे शेर, मजा आ गया यार। अरे यार, तू तो अपनी शायरी की किताब छपा कर हजारों रुपए कमा लेगा, हमारा सोचना कुछ यार। यार ये बात बात पर पॉइंट निकालता है, मेरी शायरी का पॉइंट निकाल कर किताब छपवा दी और हजारों रुपए मेरे नाम करवा दिए, देखना एक दिन लॉयर बनेगा। अरे जियो यार, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन सलीम, मानना पड़ेगा, आज तक तूने ना कोई मुझसे मदद ली और ना ही किसी से कोई रुपए। स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाकर, कॉलेज से स्कॉलरशिप लेकर तू तो एमए कर गया यार। महेश तू लॉयर बनेगा, सलीम तू शायर बनेगा, तू तो नवाब है भाई, नवाबी करेगा। अरे मेरा क्या होगा। अरे भाई हो गए हो गए हो गए। अरे क्या हो गए, क्या हुआ, क्या पास हो गए। सलीम भी पास हो गया, महेश भी पास हो गया, तू भी पास हो गया, और मैं, तू फेल हो गया यार। अच्छा, अरे वेरी गुड वेरी गुड। अरे मैं फेल हो गया, अरे अब मेरा क्या होगा। अरे यार तू एक काम कर, तू तू पुलिस में नाम लिखवा दे। क्यों? अरे यहाँ जो फेल होता वहां पर पास होता है। अच्छा यार सलीम, सुना है तू बंबई जा रहा है? हाँ यार, वहां ऑल इंडिया रेडियो, म्यूजिक कंपनियां, फिल्म कंपनियां हैं, किसी एक ने भी मेरी शायरी की आवाज सुन ली तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा यार। हाँ यार, हाँ। यार एक आखिरी शेर अर्ज है। इर्शाद, 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 इर्शाद। यारों को याद करके रोएंगे बहुत नैन। हाँ हाँ। चलता हूँ यारो, वरना छूट जाएगी बंबई की ट्रेन। हाँ हाँ। मेरा नाम सलीम है, मैं एक शायर हूँ। माफ कीजिएगा, दो महीने से हमें कोई गाने का प्रोग्राम नहीं मिला, इसलिए फिलहाल ना तो हमें शायरी की जरूरत है ना ही शायर की। ओफो, जाइए ना, क्यों सता रहे हैं? हम तो खुद जमाने के सताए हुए हैं, बड़ी आस लिए तेरे दर पे आए हैं। देखिए, ये शायरी वहाँ कीजिए जहाँ कोई खरीदार हो। मगर कौन है बेटी? कोई सलीम नामी शायर साहब अपनी शायरी बेचने आए हैं। अरे बेटी, वो शायरी बेचने नहीं आया, ये बगल वाला कमरा है ना, उसमें बतौर किरायेदार रहने आया है। जा बुला लाओ। शबाना, शबाना,
जी अपा, बाहर दरवाजे पे एक सलीम साहब हैं, उन्हें अब्बू के पास ले आ। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए मगर पूरी बात सुने बगैर मैं दरवाजा बंद करने नहीं दूंगा। आप? जी हाँ, मैं रुखसार की छोटी बहन शबाना हूँ। उनका नाम रुखसार नहीं, तहकती हुई अंगार होना चाहिए। अब गुस्सा भूल जाइए और अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। अब्बू जान, आपके मेहमान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखो बेटा। सिद्दीक साहब ने दिया है? जी हाँ। बेटे ये कमरा तुम्हारे नजर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर से थक कर आए हो, आराम कर लो। जी शुक्रिया। आदाब अर्ज है। आदाब। अब देखिए आपका ये कबूतर भूखा रह जाएगा। कसूर उसका है, वो इतनी दूर क्यों है? आदाब। आदाब। ये लीजिए, हिंदुस्तानियों की कमजोरी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्ता तो बड़ी कड़क स्त्री का पहन रखा है, कहीं इष्ट लड़ाने जा रहे हैं क्या? क्या कहा? अजी ये शहर है, बच के रहिएगा। घाट घाट का पानी पिया ये पाटिल, वाट लाउन टके लुवाट। लेकर आ, लेकर आ, वो पुलिस वाले को लेकर आ, जा गेहूं ने देवा। नमस्कार पाटिल साहब। पुलिस वाला, पुलिस वाला। ले 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 ले। हफ्ता लेने आया, हफ्ता। रोकड़, रोकड़। हाँ रोकड़, रोकड़ दे दे इसको, रोकड़ दे दे इसको, रोकड़ चाहिए, रोकड़। रोकड़ मिला? जी हाँ मिला, मिला। इसको रोकड़ मिला। केला, केला साला, मार दूंगा, मार दूंगा। गाली क्या करता है बिरादर? तो हट जा सरकार, मार दूंगा मैं। गालिया नहीं, मार दूंगा मैं। नहीं नहीं, होश में आ, आ जा। देख साला पुलिस वाला मर गया। गालिया नहीं, बैठ इधर। घाट घाट का पानी पिया या पाटिल, वाट लाउन टाकेल। सारी दुनिया की पुलिस को मार दूंगा मैं। हाँ मार दूंगा। गालिया ये तेरे को क्या हो जाता है रे? क्या हो जाता है बिरादर? तू ये पुलिस वालों को काय को गोली मारता है? ये क्या राज है भाई, बोल। बताऊंगा ये राज सिर्फ तेरे को ही बताऊंगा। दाल तो बहुत अच्छी बनी है। पापा ने बनाई है। बेटा आज से बाहर होटल में खाना नहीं खाओगे? जी बहुत अच्छा। और आप पापा जान को एक अच्छी सी शायरी लिख कर देंगे? पहले ऊपर वाला तो हमारी किस्मत लिख दे। आज दूरदर्शन वालों ने बुलाया है। मुबारक हो। सलीम साहब, आपकी मॉडर्न शायरी ने तो काफी तहलका मचा रखा था हैदराबाद में। सुना है जब आपकी कलम बोलती है तो अच्छे अच्छे गूंगे हो जाते हैं। अग्रवाल साहब, उन बातों से ना ही रोटी बन सकती है ना कपड़ा और मकान। अगर आप दूरदर्शन पर मुझे अपनी शायरी के जौहर दिखाने का एक मौका दें तो खुदा कसम हम भी किसी काबिल हो जाएं। देखो भाई, कल एक मुशायरा है और मजमून है बरसात।
आपके हाथ से तो खून बह रहा है। ये खून आपकी शायरी की किताबों से बहुत सस्ता है। अजी आपका खून हमारी शायरी की किताबों से बढ़कर थोड़ी है। चलिए मरहम लगा देता हूँ। आपका एहसास ही मेरे जख्मों का मरहम है। ओहो, मतलब बिजलियाँ सिर्फ कड़की ही नहीं बल्कि गिरी भी हैं। कहाँ? अरे तेरे दिल पर। हायला, सच कहती हूँ शांति, मेरा दुपट्टा उसे ऐसे लिपट गया था कि बस। अरे अगर वो भी तुझसे ऐसे लिपट जाता तो। चल हट, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म नहीं, रहम आ रहा है उस बेचारे पर जिसपे सुंदरता की बिजली गिरी होगी। बिन मौत मर गया होगा बेचारा। अब बस भी कर, वो एक अजनबी था जो बरसात में मिला और बिछड़ गया। अच्छा खैर, अब ये बता कि कल का क्या प्रोग्राम है। भाई कल ईद है, पूरा दिन मेल मिलाप में चला जाएगा और शाम वो तो हमने टीवी के नाम लिख दी है। टीवी के नाम क्यों? देश के बड़े बड़े शायर अपना कलाम सुनाएंगे। उफ़ो, मैं एक वक्त का खाना भूल सकती हूँ मगर मुशायरा कभी मिस नहीं कर सकती। अच्छा, कल तू मुशायरा जरूर देखना। अरे दीवानी हो जाएगी।
तो यही है तेरा वो दुपट्टे वाला लिपटने वाला लपटाने वाला। चल तू का भाई, शुरू होती है दास्ताने इश्क जहाँ, पहुँच जाती है शांति वहाँ। वैसे प्रेम का पंछी है बड़ा प्यारा, तुझे प्यारा लगता है ना तो जा, तू ही जाकर प्यार कर लेना। अरे वाह, दिल में गुटरगु तेरे हो रही है और प्रेम की चोच मैं लड़ाऊं। अरे तू जल के कोयला नहीं हो जाएगी। सुन, मेरे भैया नहीं, उन्हें टीवी पे प्रोग्राम दिलाया था। सच? हाँ, देखो तो सही गालों पर कैसे खुशी के अनार फूट रहे हैं। अरे वाह रे, दिल लगाना और उस पे नखरे दिखाना, कोई इनसे सीखे। शांति, तू मुझे उनसे मिलवा सकती है? मिलवा सकती है? अरे मैं तो तेरा निकाह तक करा सकती हूँ। चल हट, मारूंगी तुझे। जो एक नजर से मर जाते हैं वो किसी को मार नहीं सकते जाने मन। ए, वो कल मुशायरे में आ रहा है। लेकिन भाभी जान से इजाजत लेनी पड़ेगी ना। अरे इजाजत लेने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा, चल अरे चला ना। अरे नहीं यार, तू ही बात करना। अच्छा मैं ही बात करती हूँ। भाभी, मेरी प्यारी प्यारी भाभी, बस का छोड़िए और फरमाइश कीजिए। भाभी जान, हमारे यहाँ एक जबरदस्त मुशायरा है, इसलिए। समझ गई शांति, समझ गई। पैसे तो इसके भाई जान फरीन को अकेले कहीं जाने की इजाजत नहीं देते, मगर तुम इसकी करीबी सहेली हो और शबनम की उस्ताद भी, इसलिए आपकी पहली गुजारिश को आखिरी रिक्वेस्ट समझकर हम इजाजत देते हैं। इसके भाईजान को हम समझा देंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। आंटी, टीचर, मुशायरे के बहाने आप दोनों कहीं लव स्टोरी तो नहीं देखने जा रहे हैं? क्या ऐसा मत करना, वरना कायमत से कायमत तक तुम्हारे और डैडी के बीच दीवार बन जाएगी। शरारती कहेंगी। पुलिस कंट्रोल को फोन कर और बोल डगलस और उसके साथी कालूमल स्ट्रीट में मौजूद है, हैं? और ये भी बोल मैं शेर खान बोल रहा हूं, हैं? हेलो पुलिस कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल, हम शेर खान बोलता है। अब मेरा दोस्त शेर खान 5-6 पुलिस वालों को मार के ही आएगा। अगर किसी को मालूम हुआ ना तो वाट लाउंटा किल। हाँ नहीं पाटिल, नहीं, घाट घाट का पानी पिया है पाटिल। वाट लाउंटा किल। फरहीन जी, फरहीन, ये है सलीम साहब। सलीम साहब, ये है मेरी सहेली फरहीन। आदाब। आदाब, जो आपकी गजल बरसात पे ऐसे फिदा हुई जैसे मजनू लैला पे फिदा हो गया था। शायर साहब, सुनाइए ना वही जादू भरी गजल जिसने हमारी फरहीन को दीवाना कर दिया। नहीं, मैं आप लोगों को कोई नई गजल सुनाता हूँ। वही गजल सुनाइए।
सुनिए जी, ये लीजिए आपकी अमानत जी, मेरा दिल समझ कर रख लीजिए। दिल का ये रोग संभल संभल के चुपके चुपके से बढ़ाना। क्यों? फरहीन के भाई साहब पुलिस कमिश्नर हैं, जो कानून की परछाइयों में सिर्फ गोलियां और बारूद से ही बात करते हैं। पुलिस! अफसोस, हमारे इतने जबरदस्त घेराव के बावजूद शेर खान आज फिर हमारे हाथ से बचकर निकल गया। शेर खान का सलाम कबूल करो कमिश्नर साहेब। तुम यहां? हम तुम्हारा शक दूर करने आया है कमिश्नर, कि जब हम उधर ताए नहीं तो बच के निकलेगा कैसे। ओ, तो जुर्म की शतरंजी बिसात पर काफी चालाकी से चल रहे हो तुम। ओए, शक करना तो पुलिस का ईमान भी है और मजहब भी। कलुमल स्टेट कलफड़े से हमारा कोई लेन देन नहीं। मैंने आज तुम्हारे 10 आदमी ढेर कर दिए हैं शेर खान। ओए कमिश्नर साहेब, वो आदमी हमारा नहीं था। हमारा आदमी सीना पर गोली खाता है, पीठ पर नहीं। सीने पर तो गोली चलेगी और जरूर चलेगी। पिस्तौल होगी हमारी और मौत होगी तुम्हारी। याद रखना शेर खान, तुम्हारा ये घमंड, ये गुरूर, ये शतरंजी चाल तुम्हें एक दिन अपने जाल में ऐसे फांसेगी कि तुम सांस लेना चाहोगे तो भी नहीं ले पाओगे। ये कानूनी शिकंजा तुम्हें अपने जाल में ऐसे जकड़ेगा कि गुनाहों से भरी तुम्हारी ये जिंदगी मौत की चीख बनकर फांसी के फंदे पर झूलती हुई नजर आएगी। क्योंकि कानून की शक्ति चलती तो बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। अभी तक जमीन से वो पत्थर नहीं निकला जो शेर खान को पीस सके। मैं अभी और इसी वक्त कालूमल स्टेट में हुई वारदात में तुम्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूं। हम अपना एंटीसिपेटरी बेल अपना साथ में लाया है कमिश्नर, अपना साथ में लाया है। इस शेर को पिंजरे में डालना इतना आसान नहीं है। कानून का शेर जब दहाड़ता है ना, तो जुर्म का बब्बर शेर भी कीड़ बनकर दबक जाता है। और जब शेर खान जैसा शेर आदमखोर बन जाता है ना, शेर जब आदमखोर हो जाता है तो हुकूमत भी उसे गोली मार देने का हुक्म दे देती है। इसलिए अपने पंजों को काबू में रखना शेर खान, वरना वही पंजे तुम्हारे खून के जिम्मेदार होंगे। Get out! खुदा हाफिज। कालिया बिरादर, हम उस खबरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने पुलिस को यह खबर दिया कि हम और हमारा साथी कालूमल स्टेट में मौजूद है। बोलो।
पुलिस को कबर कौन दिया? सच्चा सच्चा बोल दो ओए, अगर ढूंढ के निकाला तो सुअर का मौत मारा जाएगा तुम लोग। कौन है वो? हराम जादे, तू पुलिस को कब? ओए कालिया बिरादर, ये तुम क्या किया? गद्दार को गद्दारी की सजा दी, मर गया साला। शायर साहब, आज तो आपके चेहरे की चमक बड़ी बगावत कर रही है। बगावत? हाँ, कहते हैं किसी को किसी की तमन्ना हो और वो उसे मिल जाए तो चेहरा इसी तरह बागी होकर राज फाश कर देता है। तुमने कभी किसी से इश्क किया है? नहीं, मगर इश्क होते हुए देखा जरूर है। मतलब तुम हम पर कड़ी नजर रखती हो। वैसे सच बताऊँ ना तो आप उनके और वो आपके दीवाने हो गए हैं, है ना? तुमसे क्या छुपाना शबाना, आंखों ही आंखों में हम दोनों दिलों की दुनिया में खो गए। लगता है जिंदगी कोई नई करवट ले रही है। वैसे मुशायरे में आपकी गजल पर सारा हॉल तालियों से गूंज उठा होगा, है ना? वैसे आपने गजल कही किस पर है? बरसात में भीगी उसी हसीना पर। शबाना, वो बरसात कयामत हो गई है, कयामत। ये बरसात की कहानी कोई तूफान ना उठा दे। मेरा दिल समझ कर रख लीजिए। तू यहाँ? हाँ। फरहीन, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क? कौन सा इश्क? कैसा इश्क? ये इश्क मेरा दिल समझ के रख लीजिएगा। यो भाईजान, भाईजान, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। अर्शोना, भाईजान, भाईजान बताती है। अरे ये क्या बचपना है? भाईजान मैं बताती हूँ। नहीं भाईजान नहीं, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। मैं भाईजान को अंधेरे में रखना नहीं चाहती। शांति, एक मिनट फरहीन, कहने दो उसे। जी बोलो शांति। भाईजान, बात दरअसल ये है कि मेरे बीए के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मैं शबनम को ट्यूशन नहीं दे पाऊंगी। बस इतनी सी बात है? बात तो अभी अधूरी है। तो फिर पूरी बात कहो ना। भाईजान, अगर आप इजाजत दें तो शबनम की ट्यूशन के लिए अपनी जगह किसी और को रख दूं? नहीं नहीं चाहिए हमें कोई नया उस्ताद। अरे देख तो लो, पसंद ना आए तो वापस ले जाऊंगी। नहीं देखना है मुझे। फरहीन, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बुला लो उसे, बुला लो। जी भाई साहब, जरा अंदर तो आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक है भाई? शबनम के लिए हमें उस्ताद की जरूरत तो है ही। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? जी मेरा नाम सलीम है। ठीक है, कल से तुम हमारी लाडली बेटी को ट्यूशन देने आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शरारती है तू। किसका इंतजार कर रही थी आप? नटवरलाल, श्री 420, आवारा या मिस्टर इंडिया का? चुप कर, तुझ पर तो सारा दिन फिल्मों का बोझ चढ़ा रहता है। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, कठपुतली, अनारकली और ड्रीम गर्ल की तरह, मगर रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है। चबो। आदाब। आदाब, आदाब। चबो बेटा। हाय डैडी। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई,
संभालिए अपनी शागिर्द को। जी बेटा, ध्यान से पढ़ना। ओके ओके ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय डैडी। आदाब। आदाब फरहीन, फरहीन, फरहीन। आपने चोरी चोरी देखी? बेटा फिल्मों की बातें छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो, चलो। आदाब। आदाब। चाय लीजिए। अंकल, दिल दिया, दर्द दिया, क्यों आंटी? बेमुरव्वत, खुदगर्ज। अरे कम से कम मेरा शुक्रिया तो अदा कर। शुक्रिया किस बात का? दो तड़पते हुए दिलों को मिलाया उसका। उन्हें मेरे इतने नजदीक लाकर, पता है शांति, तूने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म ढाया है। जुल्म? और नहीं तो क्या, कल तक एक दूसरे से दूर थे तो मजबूरी में हर दर्द सह रहे थे, और आज एक दूसरे के इतने करीब होकर भी हजारों मील की दूरी है, अब ये दर्द सहा नहीं जाता शांति। अच्छा तो अब तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें सलीम साहब के गले लगाऊं क्या? हाय अल्लाह, गले लगाने की बात कौन कर रहा है? तो फिर मैं इन दूरियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ। तो अपने भैया से बात कर। या खुदा, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। क्यों, नजरें मिलाते हुए तो दम नहीं निकला, अब उसे अपनाने में दम निकल रहा है? अरे ए, कहाँ छुप गई है शबनम? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बस। इस किताब में आपके नाम एक खत है जी, प्रेम पत्र। ये वही फूल है जो आपकी जुल्फ से निकलकर मेरे प्यार की दुनिया का ताज बन गया है। खत जरूर पढ़िएगा, इसमें मेरे प्यार का इकरारनामा है। मैं तुमसे वही मिलना चाहता हूं आज शाम 5 बजे, जहां हम पहली बार मिले थे। आओगी ना? जी। भाईजान। आदाब। आदाब भाई, आप तो वक्त से आज काफी पहले आ गए, या फिर आज हम लेट हैं? ये क्या, आप तो गजलों की पूरी दुकान उठा लाए। जी जी, वो फरीन को शायरी पढ़ने का बड़ा शौक है ना, और फिर ये सब मेरी ही लिखी गजलें हैं। वेरी गुड, तब तो हम भी जरूर पढ़ेंगे। वाह क्या टाइटल है, और पर्दा उठ गया। नहीं भाईजान, पहले हम पढ़ेंगे फिर आप पढ़िएगा। फरीन, जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे हाथों से कोई चीज छीनी है। सॉरी भाईजान, पता नहीं क्यों हम जज्बाती हो गए थे। नहीं फरीन, इस किताब को तुम ही रखो, रखो अपने पास, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। फरीन, तुम्हारे भाई
फरहीन कल मिलने आओगी ना? बोलो ना। वादा नहीं टूटेगा। ये फूल मैं लाया हूं तू बालों में सजाना, ऐ फरहीन कल शाम का वादा भूल न जाना। सलीम, वो बरसात की कहानी एक तूफान बन गई है। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ तुम छाए हो। मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना सिर्फ तुम हो। मेरी आंखें स्टेशन पर सिर्फ तुम्हारा इंतजार करेंगी। आओगे ना? जरूर आना। तुम्हारी रुखसार। ऐ हुस्न जरा जाग तुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा मुद्दत बाद कवाली के मुकाबले का एक प्रोग्राम मिला है। शायद हैदराबाद से भी आगे जाना हो। दरगाहों पर उरुस हैं, अजमेर शरीफ भी जाएंगे। सलीम मियां ख्याल रखिएगा, घर का भी और अपने आप का भी। आप लोग चले जाएंगे तो कितना अकेला रह जाऊंगा मैं। चंद दिनों की तो बात है, फिर मैं भी यहाँ हूँ और आप भी। अरे हाँ, आपकी मेज पे कागज पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। कोई गजल लिखी है क्या? हाँ, बारिश में भीगे हुए लड़के पर लिखी है गजल। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम कमिश्नर खान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। ओए, ओए सरकार बुलाए और हम ना आए। मगर अचानक ये शेर खान को याद करने का वजह। बैठो। हम डगलस और उसके आदमियों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? हमारा दुश्मनी? ओए कमिश्नर साहब, कभी तो आप बोलता है वो 10 आदमी हमारा था और कभी पूछता है उनसे हमारा दुश्मनी क्या था। कभी कभी दोस्तों से भी दुश्मनी हो जाती है। मगर डगलस ना हमारा दोस्त था ना हमारा दुश्मन। तो फिर तुमने हमें फोन पे ये खबर क्यों दी कि कालूमल स्टेट की बिल्डिंग नंबर 14 के फ्लैट नंबर 12 में डगलस और उसके साथी मौजूद है? कमिश्नर साहब, हम पुलिस का खबरी नहीं है, ये आपका गलत फहमी है। मेरे पास सबूत मौजूद है। सबूत? कमिश्नर साहब, हम शेर खान बोलता है। वही तुमको पेशावर मुजरिम डगलस का तलाश है ना? डगलस का साथ हम कालूमल स्टेट का बिल्डिंग नंबर 14 का फ्लैट नंबर 12 में मौजूद है। तुम फौरन रेड डालते हो, बस शेर खान को उसका इनाम मिलना चाहिए। खुदा हाफिज। अब कह दो कि ये आवाज भी तुम्हारी नहीं है। ओए कमिश्नर साहब, वो दुनिया चांद तक पहुंच गया, वो टेस्ट्यूब का अंदर बेबी पैदा हो गया। इंसानी इंसान का दिल निकाल कर दूसरा नकली दिल लगा देता है, तो क्या हमारा आवाज नकली नहीं हो सकता है? हम जानता है कमिश्नर कि तुम एक शिकारी का माफक हमारा पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। हम जानता है, क्योंकि वो दिन ना तुम बोल सकता है और ना हम बोल सकता है। तुम बदला लेना चाहता है हमसे। किस बात का बदला? वही बात
जिसका आग तुम्हारा दिल में भी जलता है और हमारा सीने में भी। याद है वो दिन? शेर खान, ये भी खुदा की कुदरत है, मेरी बेटी के लिए आज दो दो रिश्ते आए हैं और वो भी एक साथ। दूसरा कौन? इंस्पेक्टर अशफाक खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। शुक्रिया। ओए ये क्या हो गया है आपको? ओ ये तो एक मामूली सा सरकारी मुलाजम है जिसका तनख्वाह में ठीक से घर गृहस्थी का रोटी भी नहीं चल सकता है। आप अपना बेटी को ऐसा गरीबी का आग में काय को ढकेलता है बाबा? शेर खान, जब गुनाहों की आग दहकती है तो उसमें तपते हुए सिक्के चमकते हैं, जब जुर्म की आग बुझती है तो मुजरिम जलता है कानून की सलाखों में। इंस्पेक्टर, हम बाहर का मुल्क से सोना लाता है, इस मुल्क में बेचता है, क्या सोना खरीदना और बेचना गुनाह है? क्या तुम सोने की स्मगलिंग करते हो? ओए नहीं नहीं, हम तो सोने का तिजारत करता है। ओ ये हुकूमत उसको स्मगलिंग का नाम दिया तो हम क्या करें? उस तिजारत को सिर्फ स्मगलिंग का नाम ही नहीं दिया गया बल्कि कानूनी किताबों में उसके लिए सजा भी लिखी है। ओ इंस्पेक्टर, ओए तुम कुछ भी बोलो, ओए हमारा रिश्ता तुम्हारे रिश्ते से बहुत भारी है। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो हम क्या क्या लेकर आया है। तुम क्या लाया ओए बताओ? अब्बा जान, मैं कुरान पाक लाया। या अल्लाह, ये क्या है अब्बा जान? बताता हूं बेटी, बेटी मेरे नूरे नजर, तुम्हारे लिए दो रिश्ते आए हैं, दोनों तरफ खतरा है। एक पुलिस की गोली से मौत की नींद सो सकता है बेटी, तो दूसरा मुजरिमों की गोली का शिकार हो सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, एक के दामन में जवाहरात सोने चांदी चमक रहे हैं तो दूसरे के पास सिर्फ ईमान की दौलत है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा रिश्ता कबूल है? भर के अपनी ड्यूटी के बारे में ही सोचते रहोगे, फरहीन के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? क्या हुआ फरहीन को? आप भी, फरहीन शादी के लायक हो गई है। शादी? अरे बेगम, हमें अपनी फरहीन के लिए किसी नेक और शरीफ लड़के की तलाश है। नवाब अकरम साहब ने चौथा खत भेजा है, अपने बेटे के लिए फरहीन को मांगा है। आप कहो तो रिश्ते की मंजूरी का खत भेज दूं। बेगम, बरसों हुए नवाब साहब के बेटे को हमने देखा तक नहीं। बरसों पहले तो देखा था ना। ये दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो गई है, पल पल में लोगों के, इंसानों के चाल चलन बदल जाते हैं। फिलहाल उस लड़के के चाल चलन कैसे हैं ये जाने बगैर हमें रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? बेगम आप लिख दीजिए कि चंद दिनों के बाद हम फरहीन को लेकर खुद अजमेर आएंगे।
वाह जनाब, घर आने की तो फुर्सत नहीं मिलती, अजमेर जाएंगे। बेगम, लगता है आजकल आप लाल और हरी मिर्चियां बहुत खा रही हो। क्यों? बात बात पर भड़क तड़क जाती हो। डैडी, ड्राइवर तैयार है। हाँ बेटा, अभी आते हैं। अच्छा बेगम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये शेर खान की फाइल है। तमाम फाइल स्टडी करने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके जरिए हम शेर खान को गिरफ्तार कर सके। एक्सक्यूज मी सर। सलीम। अरे शर्मा। क्या बात है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सर हम दोनों क्लासमेट थे सर। वेरी गुड। ये मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाते हैं। सर ये बहुत मेहनती, ईमानदार और शरीफ इंसान है। तुम जैसे ईमानदार इंसान का दोस्त ईमानदार ही होगा ना। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहूंगा। आ जाओ। हमें भी इजाजत दीजिए। चलो सलीम, मैं तुम्हें घर आकर मिलता हूँ। ओके। अरे बेगम, हम रिश्ते के लिए अजमेर तो जा रहे हैं, मगर सलीम में क्या कमी है? हाँ, कुछ ही दिनों में वो हमारी फैमिली में इतना घुल मिल गया है कि अपना ही रखता है। अगर आप राजी हैं तो हमें भी एतराज नहीं, मगर सलीम का खानदान, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार। बकौल सलीम के, उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और खानदान में उसका कोई और है ही नहीं जिसका वो जिक्र कर सके। मतलब बिल्कुल तन्हा है। अच्छा है ना, हमारी फरीन खुश रहेगी। देखिए, अगर आप कहें तो मैं आज शाम सलीम को दावत पे बुला लूं। हाँ भाई, बुला लीजिए, बुला ही लीजिए आप। हेलो कमिश्नर खान हियर। क्या? ठीक है, आप लोग रेड की तैयारी कीजिए, मैं पहुंचता हूं। खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर खान। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद नहीं, बदकिस्मती कहो शेर खान, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने आया हूं। किस जुर्म में? मासूम बच्चों को अगवा करके दुबई भेजने का धंधा करते हो तुम। कमिश्नर, लगाम दो अपनी जबान को। ऊंची आवाज नीची करो शेर खान, नीची करो, वरना इन हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी। चाहे हाथों में हथकड़ियां पड़े, चाहे पैरों में बेड़ियां, हमारा घर का तलाशी नहीं होएगा। अपने लिए नॉन बेलेबल वारंट लेकर घूमने वाले, मैं तुम्हारे घर का सर्च वारंट लेकर आया हूं, तलाशी का वारंट। ये हमारा बेइज्जती है कमिश्नर, घर आकर तुमने हमारा मुंह पर जूता मारा है। वैसे भी मुजरिमों की कोई इज्जत नहीं होती, अपनी गुंडागर्दी की धाक को अपनी इज्जत समझना और उस इज्जत की गलत फहमी में बेइज्जती की जिंदगी जीना ही तुम जैसे गुंडों का मुकद्दर है। कमिश्नर खामोश, तलाशी हुक रहेगी। इनको तलाशी लेने दो। सिंह शर्मा मूव। पूरा मकान तलाश कर लिया, कहीं कुछ नहीं, लेकिन एक दरवाजे पर लॉक है सर। वो दरवाजा भी खोलो। मूव। वो दरवाजा नहीं खुलेगा कमिश्नर। कानून के हुक्म से तो फांसी के फंदे पर मौत का दरवाजा भी खुल जाया करता है शेर खान, ये तो तुम्हारे घर का दरवाजा है। वो दरवाजा है सर। कमिश्नर, उस दरवाजे को हाथ नहीं लगाना। Thank you.
शहर का मशहूर शायर हमारा भाई है। इनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली भी हार जाए। अरे छोड़िए। तुम कुछ आप लीजिए ना, आप लीजिए। सलीम, सलीम भाईजान, हमने तुम्हें आसमान का सितारा समझा मगर तुम हमारे पैरों की धूल भी नहीं। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, वरना हम तुम्हें यहाँ जिंदा दफन कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? धोखा हो गया है बेगम, हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ, हमारे तजुर्बे के साथ। एक बहुत बड़ी गहरी जहरीली साजिश की है इसने। इस भोले चेहरे ने हम सब के साथ एक मजाक किया है। ये मासूम लावारिस बेसहारा नजर आने वाला आदमी बेसहारा नहीं है, ये हम सबको बदकिस्मती के सहारे छोड़ने आया है। नहीं नहीं, सलीम सच्चा और नेकदिल लड़का है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। पूछो इससे, पूछो, क्या ये इस दुनिया में अकेला है? पूछो इससे, क्या दुनिया में इसका कोई नहीं है? पूछो इससे, क्या इसका एक भाई नहीं है? क्या वो भाई इसी शहर में नहीं रहता? क्या क्या इसका भाई एक पेशावर मुजरिम, एक गुनहगार नहीं है? क्या इसके भाई का नाम शेर खान नहीं है? क्या? हाँ, ये उसी शेर खान का भाई है, उसी गंदे खून की नस्ल, उसी गंदगी का टुकड़ा, ये कानून का मुहाफिज, जुर्म की हिफाजत करने वाले को, जुर्म के रखवाले को अपना रिश्तेदार कैसे बना सकता है? चले जाओ सलीम, निकल जाओ यहां से। देखिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुम्हें इस घर में घुसने का मौका दिया, अपनी फैमिली में घुलने मिलने का मौका दिया, अपना रिश्तेदार बनने का मौका दिया, मगर अब तुम्हारे लिए न इस घर में कोई जगह है, न हमारे दिलों में। एक मुजरिम के भाई के हाथ में अपनी बहन का हाथ देकर न हम उसके दिल में छाले पड़ने देंगे, न अपनी जिंदगी को नासूर बनने देंगे। निकल जाओ यहां से। देखिए मैं, सुनिए बात तो सुनिए भाईजान, तेरी बात सुनो, धोखेबाज दगाबाज, हमारी इज्जत से खेलने वाले, निकल जाओ यहाँ से, वरना तेरा खून करके कमिश्नर मुजरिम बन जाएगा। फरहीन, देखो कौन है। हेलो, कौन? भाईजान, मैं शांति बोल रही हूँ, फरहीन को फोन दीजिए ना। हेलो, हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ, जरा सलीम से बात करो। फरहीन, प्यार और जुदाई में एक ही कदम का फासला होता है, इससे पहले कि ये फासले हजारों मीलों में बदल जाएं और तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई ना दे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जुबान पर खामोशी के पहरे क्यों लगे हैं, मगर प्यार करने वालों के इरादों पर कोई पहरे नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। फरहीन, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा जहां मुकद्दर ने हमें पहली बार मिलवाया था, शाम 5 बजे आओगी ना? भाईजान, शांति आपसे बात करना चाहती है। यस। हेलो,
भाईजान, ये फरीन को क्या हो गया है? ना कुछ बोलती है, ना जवाब देती है, बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई है। शांति, इस घर में हम सब पत्थर बन गए हैं। कैसी बिजली टूटी हम पर, इसे सिर्फ हम ही जानते हैं। क्या हुआ? जो हुआ तुम्हें तुम्हारी भाभी समझा देगी, मगर तुम आकर जरा अपनी सहेली को समझाओ। जिन कांटे भरे रास्तों पर वो चलना चाहती है, उन पर सिर्फ उसे जख्म मिलेंगे, जख्म। दर दर की ठोकरें मिलेंगी, मंजिल नहीं। क्योंकि जिस तरह से टूटे हुए हजारों शीशे जुड़कर फिर से आईना नहीं बन सकते, वैसे ही सलीम हमारे खानदान से जुड़कर हमारा कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं। ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फरहीन, शिकायत गैरों से होती है, अपनों से नहीं। लेकिन सलीम, तुम्हारे भाई के गुनहगार होने की सजा वो तुम्हें क्यों दे रहे हैं? फरहीन, इंसान को अपने खून और खानदान से ही पहचाना जाता है। तुम्हारे भाईजान की जगह कोई और भी होता तो वो भी वही करता जो उन्होंने किया। लेकिन सलीम, हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमें यूं ही छुप छुप कर मिलना होगा। फरहीन, वादा करो तुम मुझे यहीं इसी वक्त रोजाना मिलने आया करोगी ना? मैं वादा करती हूँ सलीम, मैं यहीं इसी वक्त रोजाना तुमसे मिलने आया करूंगी। किताब में गुलाब के फूल का अक्स देखकर और तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं समझ गया था कि तुम सलीम के इश्क में गिरफ्तार हो। मैं चाहता तो सलीम को उसी दिन घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता, मगर मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे अरमानों को अपने सर का ताज बनाकर रखा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी कमजोरी हो, मगर वो कमजोरी जो मुझे कमजोर बनाकर रख दे, मेरे उसूलों को खोखला कर दे, मुझे दुनिया में सर उठाने के काबिल न छोड़े, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाईजान, अगर तुम हमारी मर्जी के खिलाफ उस पेशावर मुजरिम के भाई का दामन थामना चाहती हो तो कान खोल कर सुन लो फरहीन। हम अपने आप को मौत के समंदर में गर्क कर देंगे, मगर अपनी इज्जत को, अपने वकार को दफन होने नहीं देंगे। भाईजान,
आप ही ने तो सलीम को मेरे लिए पसंद किया था, आप ही ने तो मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया था, और आज आप ही अनजाने में किसी अंधेरे में अगर आग से थोड़ी उंगली जल जाए तो इंसान उस जली हुई उंगली का इलाज करता है, अपना हाथ नहीं जलाता। मगर मैं तो इस आग में सर से लेकर पैर तक जल चुकी हूँ भाईजान। हम जानते हैं, मगर हम तुम्हारे भाई हैं, कोई जल्लाद नहीं। एक पेशावर मुजरिम के भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं बहन, नहीं, छोड़ दे उस सलीम का ख्याल, मिटा दे अपने दिल से उसकी चाहत को, किसी रात को देखा हुआ ख्वाब समझकर भूल जा उसकी मोहब्बत को। नहीं भाईजान, मैं उसे नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। बको मत, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम पर इस घर की चार दीवारी पर इतना कड़ा पहरा लगा दिया जाएगा कि इस मकान से तुम कदम भी बाहर नहीं निकाल सकोगे। मम्मी, आज टीवी पे बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। फरहीन जी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भाभी जान। जाओ अपने कमरे में जाओ। उनकी सिक्योरिटी चेक कर लीजिए, मुझे पूरी सिक्योरिटी टाइट चाहिए उनके लिए। जी हाँ, आप उसकी भी पोस्टिंग करवा दीजिए, मैं पूरे दिन घर पे हूं। या गिव मी द फुल रिपोर्ट। ओके, तुमसे कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, चली जाओ यहां से। रुक जाओ सर, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार परिन से मिलने दीजिए, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, सिर्फ एक बार। तुम अंदर नहीं जा सकते, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठहरो सलीम। शर्मा मेरे दोस्त, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अंदर जाने दे, फरहीन से मिलने दे, इसके बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। जिस तरह तू फरहीन को नहीं भूल सकता, मैं कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स को नहीं भूल सकता। मैं फरहीन के बिना जी नहीं सकता यार,
मैं अपने फर्ज से गद्दारी कर नहीं सकता। और तू दोस्त के साथ गद्दारी करेगा? अगर तू इस वर्दी में होता तो तू भी वही करता जो मैं कर रहा हूं। कभी नहीं। ये वर्दी, ये तमगे, ये फर्ज दोस्ती से बढ़कर नहीं है। मोहब्बत से बड़ी चीज दुनिया में और कोई नहीं है मेरे यार। जाने दे मुझे। सलीम, जबरदस्ती न करो वरना तुम्हारा हाथ उठ जाएगा। यही ना, तुम जैसे ऑफिसर्स चोट और जख्मों के सिवाय और दे क्या सकते हो? मगर मैं अपनी फरहीन को ऐसा जुदाई का दर्द नहीं दे सकता। शर्मा, हट जा मेरे रास्ते से। खुदा के लिए इसे छोड़ दीजिए। सलीम, फरहीन, मैं कितनी छोड़ दीजिए। सलीम, फरहीन, मारो, ठहरो, जान से मार डालोगे कैसे? माफ करना मेरे यार। मैं क्या करूं, क्या करूं? फरीन, 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 इधर आओ। कौन है आप? मुझे सलीम खान ने भेजा है। वो बुरी तरह से जख्मी है, आपको बुलाया है। चलो मेरे साथ, चलो। लेकिन यहाँ तो बड़े सख्त पैर हैं। आप घबराइए नहीं, मैंने सबको नींद की गोलियां दे दी हैं। सब सो रहे हैं। अच्छा, चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ। परहीन, परहीन, सलीम, 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 आंखें खोलो सलीम, सलीम आंखें खोलो, देखो, देखो मैं आ गई हूँ। तुम यहाँ? सलीम, ये क्या हो गया सलीम? ये क्या हो गया तुम्हें सलीम? कौन है वो फरिश्ता जिसने दो तड़पते हुए दिलों को मिलवा दिया? फरिश्ता नहीं, वो तुम्हारा खून का रिश्ता, तुम्हारा भाई। वो जिस दिन कमिश्नर खान हमारा घर में तुम्हारा तस्वीर देखकर ताज्जुब किया, उसी दिन शक का तलवार हमारा कलेजा में घुस गया। हम तुमको अस्पताल से लाया, फरीन को उसका घर से लाया। वो हम कुछ भी कर सकता है, खुदा का कसम, और अपना भाई का खातिर हम कोई भी आग में कूद सकता है। हमारे बीच भाई का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आप जुर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। ओए लाले, मगर हम वो रास्ते पे किसका वास्ते चला? ओए तुम्हारा वास्ते, ताकि तुमको अच्छा तालीम दे सके, अच्छा स्कूल में पढ़ सके, तुमको जिंदगी में वो सब कुछ मिल सके जिसका वास्ते शेर खान बचपन से तड़प कर रोता रहा। हमारा पेट में रोटी नहीं था, हमारा तन पे कपड़ा भी नहीं था। हम रोटी मांगा लोग गाली दिया, हम काम मांगा लोग धक्का देकर निकाल दिया। और वो दिन हम कभी नहीं भूल सकता जब तुम दूध का वास्ते रोता था। उस दिन हम पहला बार चोरी किया, तुम्हारा दूध का वास्ते चोरी किया लाले, तुम्हारा दूध का वास्ते चोरी किया। काश उस चोरी के दूध के बजाय आपने मुझे जहर पिला दिया होता तो आज मेरी जिंदगी जहर नहीं बनती। ओए सलीम लाले, तूने अभी जिंदगी का कड़वाट पिया नहीं है मेरा भाई, और हम ये बेमुरव्वत दुनिया में जिया तो सिर्फ तुम्हारा वास्ते।
वरना इस दुनिया में हमारा है कौन? सिर्फ तुम, हमारा भाई। खुदा के लिए मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दीजिए। रिश्ते के इस कैदखाने से, इस जिंदान से मुझे आजाद कीजिए, जहां की हवाओं में मेरा दम घुट रहा है। ओए, अपना भाई का सच्चा प्यार को कैदखाना समझता है, एक जिंदान समझता है? अरे ये हमारा जिंदान का साया ही है जो तेरे को तेरा फरीन का चेहरा देखना नसीब होया। वो कमिश्नर खान असली जिंदान अपना हाथ में लेके घूम रहा है। तुम दोनों की जिंदगी को गम का ऐसा जिंदान में डाल देगा वो, ऐसा जिंदान में डाल देगा वो कि तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से मिलने का वास्ते तड़पता रहेगा। इसकी वजह भी आप हैं। कल तक कमिश्नर साहब मेरी इज्जत करते थे, अपनी मर्जी से फरीन को मेरी शरीके हयात बनाना चाहते थे, मगर जैसे ही उनको पता चला कि आप मेरे भाई हैं, तो आपके गुनाहों की परछाइयों से मेरी मोहब्बत की दुनिया जलकर राख हो गई, फना हो गई। इज्जत से सर उठा के जीने वाली जिंदगी मुंह छुपाए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। सब कुछ मिलते मिलते छिन गया। खुदा के लिए मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दीजिए। चलो फरीन। लाले, चलो फरीन, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं सलीम, नहीं। अगर भाईजान को पता चलेगा कि शेरखान के आदमी मुझे यहाँ लाए थे, तो खून की नदियां बह जाएंगी सलीम। तो फिर क्या करें सलीम? अगर सुबह भाईजान मुझे घर पर नहीं पाएंगे, तो वो यही समझेंगे कि तुम मुझे लेकर आए थे। उन्हें हमारी तलाश होगी सलीम। तुम्हारा मतलब? सलीम, मुझे इस शहर से कहीं दूर ले चलो। कहाँ जाएंगे हम सलीम? इतनी बड़ी दुनिया में क्या ऐसी कोई छत नहीं जो हमें पनाह दे सके? चलो। नगीना भाई, तेरे कोठे पे लोग घाव खाकर आते हैं और दर्द की दवा लेकर जाते हैं। मेरा दोस्त बहुत घायल है, इसकी भी दवा कर। ऐसा गीत छेड़ दे कि आज हम दोनों की वाट लग जाए। हर गम की दवा है शराब, हर गम का इलाज है शबाब। मेरी जवानी जब तेरी आंखों में उतर जाएगी, तेरे रोम रोम में सुकून की आग सुलग जाएगी। पीले, सोचता क्या है रे पीले?
तुम्हारा भाई कहाँ है? बोलो कहाँ छुपा रखा है उन दोनों को तुमने? कमिश्नर, अगर वो दोनों हमारा पास होता ना तो हम इधर नगीना भाई का कोटे पर नहीं होता। हम किसी मस्जिद या किसी मौलवी का घर में उन दोनों बच्चे लोग का निकाह पढ़वा रहा होता। तुम उन दोनों का निकाह जरूर पढ़वा सकते हो, मगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद। मेरे जीते जी ऐसा ख्वाब देखने की भी जुर्रत न करना शेर खान, वरना पलकों से नींद हराम कर दूंगा, समझे? लो सलीम। शुक्रिया। फरहीन, मुझे डर है तो सिर्फ तुम्हारी भाईजान का। फरहीन, तुम्हारी भाईजान आ गए। तुम दोनों ऐसा करो, अंदर जाके छुप जाओ, जल्दी। नमस्ते भाई साहब। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठने नहीं आया हूँ। फरहीन और सलीम कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? सच सच बताओ शांति, फरहीन और सलीम को कहाँ छुपा रखा है तुमने? भाई साहब, मैं तो उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं। मुझे यकीन है शांति, वो दोनों यहीं कहीं हैं। भाई साहब, अगर आपको अपनी बहन पे विश्वास नहीं है तो आप पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। इस कमरे में कौन है? मेरे भैया और उनकी पत्नी। अगर अब भी आपका शक दूर ना हुआ हो तो आप घर का कोना कोना छान मारिए। वो दोनों कानून से बहुत दूर तक भाग सकते हैं, मगर बहुत देर तक नहीं भाग सकते। हाय अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुजरिमों की बुनियादें हिला देने वाला ये कमिश्नर खान, आज उसी के घर की बुनियादें हिल रही हैं। एक पुलिस कमिश्नर पुलिस से मदद लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता। क्या कहूंगा कि एक स्मगलर के भाई के साथ एक कमिश्नर की बहन भाग गई है? नहीं नहीं, हम अपनी इज्जत को इस तरह से नीलाम नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश करेंगे। मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, तुम एसटी स्टैंड, और बेगम तुम शबनम को लेकर रेलवे स्टेशन जाओ। किसी भी तरह से उन्हें तलाश करना है। अम्मी जान, आंटी और सलीम वो रहे। फरहीन, भाभी जान, सलीम, खुदा के लिए घर चलो, तुम्हारे भाईजान बहुत परेशान है। भाभी जान, खुदा के लिए हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए भाभी जान। देखिए, सिवाय ये शहर छोड़ने के अब कोई रास्ता भी नहीं है, हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। ये क्या भाभी जान? ये लो,
तुम्हारे काम आएंगे। मैं तुम्हारी भाईजान से कुछ नहीं कहूंगी। शब्बो तुम भी कुछ मत कहना। ठीक है। जाओ फरीन, तुम लोग जाओ, तुम्हारी गाड़ी का वक्त हो गया है। फरीन भाभी जान, भाभी जान, हमें माफ कर देना। अच्छा शब्बो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ फरीन। हे सलीम, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम, प्लीज कम इन, आओ प्लीज कम। लवली लवली। यार सलीम, इसको कहते हैं लोहे का दिल और फौलाद का जिगर। प्यार के नाम पर बगावत भी की तो कमिश्नर खान से। क्या बात है मेरे यार, ये बगावत हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। मेरे दोस्त, एक सरकारी वकील होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि आग में हाथ डालकर तू शबनम तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जल जाएगा। तुझे मेरे जल जाने का खौफ है या तू मुझे इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता? इजाजत की क्या बात करता है यार, तेरे लिए जान हाजिर है। मां मां। क्या है बेटे? नमस्ते। 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 बैठो। जी माँ, ये मेरा दोस्त सलीम, जिसे टीवी पे देखा था। हाँ हाँ याद आया, तुमने बरसात पे कविता कही थी ना। हाँ माँ, बरसात की कविता अब तूफान में ढल गई है। ये फरीन इनकी होने वाली बीवी बन गई है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सलीम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे यार काजी को लेकर आते हैं। देख, एक बार तुम दोनों का निकाह हो गया, दुनिया का कोई कानून तुम्हें अलादा नहीं कर सकता। चल मां, हम अभी आते हैं। अच्छा। अरे यार मुझे डर लग रहा है कहीं वो। अरे यार तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं ना। लाओ बेटी, तुम्हें दुल्हन बना दूं, मेहंदी लगा दूं। कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूं। यस। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं हूं शर्मा, महेश का दोस्त। ओह आओ। थैंक यू। आओ बेटा। परहीन, भलाई इसी में है, तुम घर लौट चलो। मेरा घर, मेरी दुनिया अब सिर्फ सलीम है। अगर तुम मेरे साथ वापस ना चली तो जेल खाना सलीम का मुकद्दर बन जाएगा। कभी नहीं, कुछ ही देर में सलीम काजी को लेकर आ जाएगा। सलीम पर तुम्हें घर से किडनैप करके ले जाने का इल्जाम है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मगर दफा 366 के तहत मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी दोस्ती मजबूर है। मगर मेरी मोहब्बत मजबूर नहीं। सलीम को गिरफ्तार करने से पहले तुम्हें मेरी लाश गिरानी पड़ेगी। सलीम का नाम मुजरिमों की लिस्ट में लिखवाना चाहती हो तुम, उस पर एक किडनैपर का इल्जाम लगवाना चाहती हो तुम, अदालत में उसे दफा 366 के तहत सजा दिलवाना चाहती हो तुम, सलीम को भी अपने भाई शेर खान की तरह एक मुजरिम बनाना चाहती हो तुम। परीन, अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़ी रही और सलीम आ गया तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ उसे भी गिरफ्तार कर लेना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। जाओ बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे, सलीम को मैं समझा दूंगी, जाओ। अच्छा। मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए भाईजान, इसे आप छोड़ दीजिए। आपको मेरी कसम है, मेरी जान की कसम है भाईजान, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इज्जत बचाने के लिए यही अच्छा है कि मैं कफन ओढ़कर मौत की नींद सो जाऊं। छोड़ दो मुझे भाईजान।
छोड़ दो। मैं आपको खोना नहीं चाहती, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं शादी करूँगी भाईजान। अगर आपने ये पिस्तौल नहीं छोड़ी तो मैं भी जहर खा लूंगी, छोड़ दीजिए इसे भाईजान, छोड़ दीजिए भाईजान, मैं आपके बिना नहीं जी सकती भाईजान। हाँ भाईजान, आप मेरी किए की सजा अपने आपको मत दीजिए भाईजान। भाईजान आज के बाद आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है भाईजान। जी आदाब। तुम यहां क्यों आए हो? जी मैं फरहीन से मिलने आया हूं, सिर्फ एक बार, और अगर फरहीन ने इनकार कर दिया तो मैं लौटकर इस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं, सिर्फ एक बार। फरहीन। आई भाईजान। फरहीन। जी भाईजान। ये तुमसे मिलने आए हैं। फरहीन चले जाओ यहां से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम एक गुनेगार के भाई हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं जानता हूं मजबूरी के बोझ तले मेरी चाहत को कुचल दिया गया है, मेरी मोहब्बत को एक जिंदान में कैद कर दिया गया है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद इस जिंदान से निकलकर मेरे पास चली आओगी। खुदा हाफिज। आपा जान, मेरी अच्छी आपा जान, आपने तो अजमेर में आके कमाल ही कर दिया, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना नाम मिला है आपको, ऐसा लगता है पूरी दुनिया मिल गई। लेकिन जिसकी तमन्ना थी वो तो नहीं मिला। सलीम को कितने खत लिखे मगर एक का भी जवाब नहीं आया। आपा जान, चंद ही दिनों में तो हम लोग वापस लौटने वाले हैं, फिर तो सलीम साहब ही सलीम साहब होंगे। अब तो मुस्कुरा दो। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। हट पगली। आपा जान, कवाली के मुकाबले में आपका इंतजार हो रहा है, चलें? चलो चलो। रुक न सका शौक मेरा रख न करूं से, मैं आ ही गया उड़ के मोहब्बत की परों से। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, इन मोहब्बत की परों से मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ हिंदुस्तान की हर दिल अजीज, जिनकी तस्वीर समाज और जनता के हर बंदे के दिल में है, आपके दिल में है, आपके दिल में है, वो भी मेरे साथ। बॉम्बे से ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में माथा टेकने आए थे, सलाम करने आए थे। जैसे उन्हें यह पता चला कि अजमेर में कैंसर सोसाइटी की बिल्डिंग के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक बिल्डिंग बन रहा है और उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उस कलाकार ने मुझसे कहा, उस चमकते हुए हीरे ने मुझसे कहा कि इस काम के लिए मैं भी शिरकत करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई वहां कभी नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ऐसे नेक काम के लिए नाचना तो क्या, मैं गाऊंगा। तो मैंने कहा वहां कवाली कंपटीशन भी है? तो बोले कोई भी कंपटीशन रहने दीजिए, इस नेक काम के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अभी आप पूछेंगे कि वो कलाकार कौन है, वो चमकता हुआ सूरज कौन है, वो आपका हर दिल अजीज एक ही हीरो है, संजय दत्त। हियर कम द लीजेंड एक्टर संजय दत्त। संजय दत्त साहब, आप अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है।
चले चल जल्दी चल 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 चले क्या कर रहा है चल आ? सब माल बराबर है ना कालिया सेठ? अरे सुलेमान भाई तुम फिक्र मत करना, सब बराबर है, तुम निकल जाओ। हाँ बाकी का माल मैं अब्दुल के हाथों भेज दूंगा, तुम निकल जाओ। आजकल पुलिस का बहुत लफड़ा है ना बाबा, चल चल। ए चल चल ए चल क्या कर रहा है चल, अरे क्या कर रहा है चल। आप जुर्म की सड़क पर दौड़ने वाले वहशी दरिंदे, कानून का मांस नोच नोच कर खाने वाले कुत्ते। कानून का क्या, तेरा भी मांस नोच नोच कर फाड़ डालूंगा मैं। रामजादे बता तू किन लोगों के साथ काम करता है? बोल। जुर्म की रोटी पर पलने वाले कुत्ते। कमिश्नर मैं बहुत मोटी चमड़ी का कुत्ता है रे, घाट घाट का पानी पिया ये पाटिल, वाट लाऊं टाकिल। तू मेरे को वाट लगाएगा? मेरे को? बोल किन किन लोगों के साथ तू काम करता है, बोल वरना तेरे शरीर से सारी खाल उखाड़ दूंगा, तेरे सारे जिस्म की हड्डियां निकाल लूंगा। बोल। कमिश्नर एक बार मैं छूट गया ना तो ले भारी पड़ेगा तेरे को, भारी पड़ेगा। तू तो गया रे कमिश्नर, एक एक फटके का सूत के साथ हिसाब लूंगा। हाँ घाट घाट का पानी पिया ये पटेल, वाट लाऊं टकेल। साला धमकी देता है, कानून को चैलेंज करता है, कानून को बाप की जागीर समझता है, गुंडागर्दी का राज चलाएगा, वर्दी पर हुक्म चलाएगा। हरामजादे हम उस कमिश्नर खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने हमारा भाई का भी जिंदगी तबाह कर दिया है। भाई कालिया हलकट को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है कमिश्नर, उसकी जबान से हमारा नाम उगलवा कर हमारा नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकालना चाहता है वो। खान भाई मुझे पता चला है कमिश्नर खान परीन का रिश्ता किसी और से तय करना चाहता है। ओए कभी नहीं, हमारा भाई का मोहब्बत को फना करने वाले को हम दुनिया से फना कर देगा। बेगम हम कल ही अजमेर जाएंगे और नवाब के बेटे से अपनी फरहीन का रिश्ता तय कर देंगे। मगर सलीम तो अब फरहीन की जिंदगी से हट चुका है, फिर परेशानी काहे की? बेगम ये चाहत ऐसी खतरनाक आग होती है जो ऊपर से तो बुझ जाती है मगर अंदर ही अंदर उसकी चिंगारियां बस थोड़ी सी हवा का इंतजार करती रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चिंगारियां फिर से भड़कें, शोला बने और हम सब की जिंदगियां झुलस जाएं, हमारी हस्ती खेलती दुनिया फिर से जहन्नुम बन जाए। मगर सलीम की तरफ से तो मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता। खतरा है बेगम, खतरा है सलीम के भाई शेर खान और कालिया की तरफ से। वेलकम सलीम, वेलकम। ना कोई खत, ना तार, अचानक अजमेर में?
तुझसे मिलने को दिल चाहा, चला आया। बेटे नादिर। जी अब्बा हुजूर। यहाँ आओ बेटे। एक्सक्यूज मी। जी अब्बा हुजूर। आपसे मिलो, आप हैं बम्बई के कमिश्नर अशफाक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है इनकी बेगम। आदाब। सलाम। बेटी शबनम। हेलो। हेलो। और ये है इनकी बहन फरहीन। बेटे नादिर, यही है वो जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हो रही है। आदाब। आदाब। अब्बाजान, मेरे करीबी दोस्त आए हुए हैं, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। इजाजत चाहूंगा। जाओ। खुदा हाफिज। सलीम मेरे दोस्त, उठ ना। क्या हुआ यार? यार तेरी दोस्ती की कसम, तेरे कदम इतने लगे साबित हुए कि तेरे आते ही मेरी शादी तय हो गई। चल उसका चेहरा दिखाता हूँ, चल। वो रहा चांद का टुकड़ा। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। हाँ। बहुत हसीन। हाँ यार, लगता है चौधरी का चांद जमीन पर उतर आया है और मेरी तकदीर आसमान के अनगिनत सितारों की तरह जगमगा रही है। यार, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरा नसीब सलीम। या खुदा, सलीम। पता है सलीम, मैंने तुम्हें कितने सारे खत लिखे मगर तुमने तो मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया। रुखसार, तुम्हारे चले जाने के बाद ये जिंदगी ऐसे उलझ गई कि बस एक पहेली बन गई और उसी को सुलझाने में उलझता ही चला गया। तो वो पहेली सुलझी या अभी तक उलझी हुई है? अब उलझन तो सिर्फ एक ही है। क्या? तुम्हारी बहन शबाना कहाँ है? बेटे, वो तो अपने मामूजान के घर गई है। और मैं नवाब साहब के घर जा रही हूँ, उनके बेटे नादिर की शादी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आइए अब्बा। खान साहब, आज ये गेम हमारी है। अरे भाई, कोशिश करके देख तो लो, फिर आगे क्या होता है हम बताएंगे। आदाब अर्ज़े नवाब साहब। आदाब अर्ज़े भूपाली साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आदाब अर्ज़े चाचा जान। जीत रहो बेटी। फरमाइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटी, ऊपर जाकर होने वाली बहू से मिल लो, शादी का जश्न और सारा प्रोग्राम उन्हीं की मर्जी के मुताबिक होगा। क्यों खान साहब? हाँ हाँ भाई, हमने तो सब आप पे छोड़ रखा है। अच्छा बेटी, ऊपर जाओ। जी बहुत अच्छा। हाँ तो भोपाली साहब, क्या पीजिएगा आप? जी कुछ नहीं। अच्छा समझ गई, तुम्हारे चेहरे पर शादी की खुशी नहीं, तड़पती हुई मोहब्बत का दर्द नजर आ रहा है। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाकर खुदा से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ताकि तुम्हारी जिंदगी के सारे दर्द दूर हो जाएं। ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है ना? हाँ। मैं दरगाह से तुम्हारे लिए तावीज भी लेकर आऊंगी ताकि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ महबूब वापस मिल जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रुखसार, फरहीन, अपने आंसू पोंछ लो फरहीन, अब तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मेरी उम्मीदों के तो सारे चिराग बुझ चुके हैं रुखसार।
अब अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं बचा। अरे पगली, ये देख, ये तावीज मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से लाई हूँ। वहाँ मांगी हुई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। ला, अपने महबूब की तस्वीर मुझे दे दे। इस तावीज से मैं तेरे महबूब की नजर उतारूंगी और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। चलिए आप अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटे, मौलवी साहब निकाह पढ़वाइए। जी जनाब। आओ बेटा। फरहीन, नवाब नादिर के साथ आपका निकाह कबूल। फरहीन, नवाब नादिर के साथ आपका निकाह कबूल। सलीम का भाई जिंदा है, फरीन को सलीम से कोई ताकत जुदा नहीं कर सकता है। हमारा भाई का मोहब्बत को कोई नहीं छीन सकता है। आज हम तुम सबका खून से ये दोनों का नया तकदीर लिखेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें किसी का खून बहाने नहीं दूंगा। ए वेड़िया, जब तक खून नहीं बहता आदमी बात नहीं समझता। क्यों कमिश्नर, पहचाना मेरे को? आज सबकी लाश गिराएगा ये पाटिल। तो सबसे पहले मेरी लाश गिरानी होगी, मेरा खून बहाना होगा। ओए सलीम लाले, ये शराफत का चोला उतार कर फेंक दे, वरना फरहीन की मोहब्बत के बगैर तू जिंदगी भर घुट घुट के मरेगा। कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जिसकी बुनियाद इंसानों के खून पर रखी जाए। वेड़िया, तेरी मोहब्बत दिलाने के वास्ते मौत की छाती पे बैठ के इतना बड़ा टोली लेकर आया हम, खान और पाटिल, वाट लाउन का केल। कालिया, कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल बन जाए। भाभी जान, अरे भूल को छोड़, मैं तेरे को धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में गाड़ दूंगा तेरे को। कालिया, कानून से पंजा मत लड़ा वरना तेरा कानून चौकी में, इधर नहीं। इतना फटका मारा था तुम मेरे को, आज हिसाब लूंगा, एक एक फटके का हिसाब लूंगा। नहीं, नहीं। हरामजादे, छोड़ दे मेरी बेगम को। देख।
क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है तेरे को? हाँ कमिश्नर, मैं बोला था ना, मैं बहुत मोटी चमड़ी का कुत्ता है रे, घाट घाट का पानी पिया ये पाटिल, वाट लाऊंगा कल। शबनम, शबनम नहीं, अंगार बोल अंगार। आए कमिश्नर, हथियार नीचे डाल, हथियार नीचे डाल वरना ये बच्ची की खोपड़ी उड़ा दूंगा। इधर आ रे, इधर आ। सिगरेट निकाल। डैडी, मम्मी। निकाल। डैडी, डैडी। रख मुंह में। मम्मी। माचिस निकाल। मम्मी। जला सिगरेट। डैडी। चला अंगार, लगा अंगार। मम्मी। मम्मी। कलिया छोड़ दे बच्ची को। मम्मी! कलिया छोड़ दे मेरी बच्ची को। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा बदला लूंगा, मेरे बच्चे का बदला, मेरी पत्नी का बदला, सबका बदला लूंगा मैं। अरे कोई मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे बच्ची को बचा लो। ओए, ओए कालिया, ये तू क्या करता है? ओए कालिया, ये मासूम बच्चा ने तेरा क्या बिगड़ा? हुए दोस्त, तेरे को मैं बोला था ना
मेरा एक कहानी है, या पुलिस ने मेरा वाट लगाया, आज मैं उसका वाट लगाएगा। आज तेरे को वो कहानी सुनाएगा, तेरी भी छाती फट जाएगी, जान निकल जाएगी जान। आ मेरा पुर्ग कसलट लाने को रेशम के दुकान पर गया था। वहां दंगा पता शुरू हुआ। कालिया होश में आ, कालिया होश में आ। तुम सबको खलास करेगा, मन मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिलेगा, मग में होश में आएगा। कालिया पुलिस जनता की दुश्मन नहीं है, जनता की दुश्मन नहीं है। दंगे फसाद में गोली चलती है तो फसाद को खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए। जब हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस गोली चलाती है तो यह देखकर नहीं चलाती कि गोली किसको लग रही है, हिंदू को लग रही है या मुसलमान को, सिख को लग रही है या ईसाई को, बेकसूर को लग रही है या मुजरिम को। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, कालिया गोली चलानी पड़ती है, यही तो पुलिस की मजबूरी है। और इसके लिए अगर तू मेरी बच्ची की जान लेना चाहता है तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है, ये तेरी नादानी है। ओए कालिया, तेरे को इस बच्चा का अंदर अपना बच्चा नजर नहीं आता है? जरा जरा गौर से देख, एक बाप का नजर से देख। गौर से देख कालिया, तेरे को अपना अपना बच्चा नजर आए करे। पापा मत रो, अंकल रो मत, प्लीज अंकल रो मत। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे को माफ कर दे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मिल गए, नजर आई रे मेरी बच्ची, मेरे को नजर आई मेरे बच्चे। बच्चे, मैंने गुस्से में तेरे को चटका दिया है, ये ले ये सिगरेट ले, मेरे को चटका दे, दे मेरे को चटका, मेरे ऊपर घास ले।
सिगरेट डाल के मेरे को माचिस लगा के मेरे को जिंदा जला दे, मैं कुछ नहीं बोलेगा। देवा जी शपथ, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को जिंदा जला दे बच्चे। अंकल मत रो। बच्चे बच्चे कोलियो। क्षमा क्षमा कर मेरा, माफ माफ। कमिश्नर खान, ये देखो, ये हमारा हमारा नापाक खून तो निकल गया हुए मौत से बड़ा सजा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ, मगर मगर इन दोनों को जुदा होने का सजा मत देना हुए, मत देना। हां साहब, इस सहरे का असली हकदार तो सिर्फ सलीम है। इन दो दिलों को तोड़कर मैं अपनी दुनिया नहीं बसा सकता, नहीं बसा सकता। फरहीन जी, आओ। खुदा भाईचान।